जो 2011 से पहले ममता बनर्जी सत्ता में आने से पहले केवल 51 जाति थी, 53 जाति मुसलमानों का था, जो ओबीसी का अंदर था। इन्होंने उसको बढ़ा के 118 कर दिए, और हिंदू को केवल 79 जाति उसमें, और टोटल 17% रिजर्वेशन बंगाल में ओबीसी को जाता है, उसमें 10% ए कैटेगरी मुस्लिम को जाता है और बी कैटेगरी हिंदू रखा, उसमें 7% जाता है। जबकि संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है कि धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन हो। वास्तव में जात के आधार पर होता है, हिंदुओं को जात के आधार पर रिजर्वेशन दिया है, और मुसलमानों को पेशा का ऑक्यूपेशन का आधार पर रिजर्वेशन दिया है। जब नेशनल काउंसिल पूछा यहाँ के ऑफिसर को कि किस आधार पर आपने इनको मुसलमानों को बढ़ाया, इसने ये कैसे आ गए ओबीसी में, बोले ये पहले इनके पूर्वज हिंदू थे, लेकिन कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, ना तो उन्होंने लिख के दिया है, ना इनके पास है, बिना आधार के, ना नेशनल काउंसिल को पूछे, इन्होंने इनका घोषणा कर दिया, क्योंकि केवल राजनीतिक कारण से ही मुसलमानों को किया है। यहां तक संदेह है कि बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम घुसपैठिया और रोहिंगा, उनको भी ये सर्टिफिकेट मिली है, ये भी सरकारी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं यहाँ, इसका भी लाभ विदेशी घुसपैठिया और रोहिंगा उठा रहे हैं, इनके जारी किए हुए रेशन कार्ड और ओबीसी के सर्टिफिकेट का आधार। दिलीप।